Hello students, how are you? Hope you are in good health and must be studying well also. I am Rahul Bhatnagar. Welcome to my YouTube channel. आज का ये वीडियो हम एक नए चैप्टर के साथ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर टोटली जर्नल एंट्रीज के ऊपर बेस है. अगर आपका जर्नल एंट्रीज का कंसेप्ट क्लियर है, बेस क्लियर है, तो आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा. इस चैप्टर से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है और आप उसको सॉल्व करने में हार्डली 5 to 7 मिनट लगाओगे. एक दफ़े आपको बस टेक्निकल टर्म्स इसकी समझ में आ जाएं तो आपके लिए ये खेल की तरह रहेगा. तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को. इसको समझने के लिए मैं एक आसान सा जर्नल एक एग्जांपल लेके चलूँगा. फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुई है दो पर्सनस के बीच में, ए और बी के बीच में. गुड्स सेल परचेज हुआ है ए और बी के बीच में. ए और बी, ए सेलर है और बी परचेजर. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए ने गुड्स सेल किया है बी को 10,000 रुपीज़ का, हम ये मान के चलते हैं कि 10,000 रुपीज़ का ए ने गुड्स सेल किया है बी को. और यहाँ पे सेल का मतलब क्रेडिट सेल ही है स्टूडेंट्स. इस चैप्टर में कैश सेल का कोई मतलब नहीं है. कैश सेल होती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो ट्रांजेक्शन ख़त्म हो जाएगी, एक दफ़े आपके पास कैश आ जाता है. यहाँ पर सिर्फ से क्रेडिट सेल की बात होगी. ए ने बी को गुड्स सेल किया है 10,000 रुपीज़ का, तो बी ए के लिए क्या हो गया? बी ए के लिए हो गया डेटर. और बी के लिए ए क्या हो गया? क्रेडिटर. अगर ए अपनी बुक्स में एंट्री करता है तो वो बी को डेटर मानेगा, और बी अपनी बुक्स में एंट्री करेगा तो वो ए को क्रेडिटर मानेगा. तो अब ये बताइए, ए और बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे? जो इनिशियल एंट्री होती है सेल परचेज की, हम ये मान के चलें अगर 2020 में ये जनवरी 1 में एंट्री हुई है, 1 जनवरी को ट्रांजैक्शंस हुई है, तो ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? क्रेडिट सेल हुई है तो बी अकाउंट को वो डेबिट कर देगा टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री करेगा ना. और इनकेस अगर CGST और GST कंसेप्ट भी इसमें इन्वॉल्व है तो वो सेल्स के साथ में क्या होता है? आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, टू आउटपुट SGST, ये एंट्री करेगा. 10,000 रुपीज़ की अगर सेल की है तो 10,000 रुपीज़ वो सेल्स अकाउंट में दिखाएगा. 6% अगर CGST और SGST का रेट है तो 600 600 करके 11,200 रुपीज़ से वो बी को डेबिट कर देगा. अब आ जाइए बी के ऊपर. बी भी अपनी बुक्स में एंट्री करेगा, सेम डेट पे ही करेगा, 2020 जनवरी 1st. क्या एंट्री करेगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट CGST SGST इन्वॉल्व है तो वो उसको इनपुट ले लेगा. यहाँ पे इनपुट CGST और इनपुट SGST, 10,000 रुपीज़ की गुड्स की बेसिक वैल्यू थी, 600 रुपीज़ CGST लग गया, 600 रुपीज़ SGST लग गया, टू ए 11,200. क्लियर है? ये एंट्री तो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं, सेल और परचेज की एंट्री है. यहाँ पे नरेशंस आप लिख देंगे, बीइंग द गुड सोल्ड टू बी ऑन क्रेडिट, और बी अपनी बुक्स में नरेशंस लिखेगा बीइंग द गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट. चलिए ये एंट्री तो हो गई कंप्लीट. अब मान लीजिए इनके बीच में ये तय हुआ है, ये डील हुआ है कि बी जो पेमेंट करेगा 11,200 रुपीज़ की, ये 3 महीने के बाद करेगा. अगर 1 जनवरी की डेट है तो उसके 3 महीने के बाद 11,200 रुपीज़ बी ए को देगा. अब ए वांट्स एश्योरेंस, ए को चाहिए एश्योरेंस, उसको कुछ रिटर्न प्रूफ मिल जाए या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स मिल जाए जो वो अपनी फाइल में लगा सके कि मेरे को ये 11,200 एग्जैक्ट 3 महीने के बाद मिल जाएंगे. तो इसके लिए वो क्या करेगा? अब देखिए, इसके लिए ए क्या करेगा, एक पेपर पे एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगा, टू बी को लिखेगा दिस मच अमाउंट इज आफ्टर 3 मंथ्स 11,200 रुपीज़ पेबल ऑन दिस एंड दिस डेट. 1 जनवरी को अगर बनाता है वो डॉक्यूमेंट तो
3 महीने के बाद ये पेएबल होगा और यहाँ पे ए साइन करेगा। अब क्या है, आजकल इस डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटेड कॉपीज मिल जाती हैं, जिस तरह आपने देखा होगा रेंट रिसिप्ट मिल जाती हैं, आजकल इसकी भी प्रिंटेड स्लिप्स मिल जाती हैं। आपको सिर्फ से कुछ नहीं करना, नाम लिखना है, साइन करने हैं, अमाउंट लिखना है और पेएबल डेट लिखनी है। वो स्लिप फाड़ के आप दूसरी पार्टीज को दे सकते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है, अगर ए ये डॉक्यूमेंट तैयार करता है, इस पेपर पे तैयार करता है और अपने पास फाइल कर लेता है, तो क्या ये सफिशिएंट है? तो क्या ये प्रूफ होगा? ये प्रूफ नहीं होगा। जब तक इसको बी साइन नहीं करेगा, तब तक ये एक सिर्फ से कागज़ का टुकड़ा है, पेपर है, ये एक डॉक्यूमेंट भी नहीं है। ऐसे पेपर वो चाहे 50 अपने पास रख ले, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अनटिल अनलेस बी साइन इट। इसके लिए ए ये पेपर को बी के पास भेजेगा फॉर साइनिंग पर्पस। द मोमेंट बी साइंस दिस पेपर बिकम्स ए डॉक्यूमेंट एंड दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब तक बी ने इस डॉक्यूमेंट को साइन नहीं किया है, ये सिर्फ से कागज का टुकड़ा है, एक पेपर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बी के साइन करते ही ये एक डॉक्यूमेंट बन जाता है जिसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, और इसकी लीगल वैल्यू भी है। इन केस कभी फ्यूचर में इन दोनों में डिस्प्यूट हो गया, ए और बी में पैसों को लेकर डिस्प्यूट हो गया, तो ए कैन प्रोड्यूस इट इन द कोर्ट एज एन एविडेंस। अब ये बी को ज़रूरी है कि ये साइन करके ये वापस ए को आए। अगर ये बी के पास ही रह गया तो ए के पास कोई भी प्रूफ नहीं है। कल को अगर कोर्ट उसको पेपर मांगती है कि पेपर दिखाओ कहाँ साइन किया है, तो वो ये नहीं कह सकता कि वो तो बी के पास पड़ा है, तो बी से उसको साइन करके वापस लेना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स, ए ने इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया है, राइट किया है, तो जो राइट करता है, जो प्रिपेयर करता है, उसको बोलते हैं ड्रॉअर। तो हमारे केस में ड्रॉअर कौन हो गया? ए ड्रॉअर हो गया, और बी बी ने एक्सेप्ट किया, तो इसको हम एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं और ड्रॉई भी बोल सकते हैं। एक्सेप्टर, एक्सेप्टर या आप ड्रॉई भी कह सकते हो। ड्रॉई का मतलब जिसके ऊपर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है। हमारे केस में बी के ऊपर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज डॉक्यूमेंट लिखा गया है और बी ने इसको साइन किया, ही इज द एक्सेप्टर, ही इज द ड्रॉई। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम और आगे चलते हैं। बी ने वे डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि वो 11,200 रुपये पे करेगा आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। बी के साइन करते ही ये डॉक्यूमेंट वापस आ जाता है ए के पास। इस डॉक्यूमेंट के बेस पर ए को पैसा मिलने वाला है, तो ये डॉक्यूमेंट फॉर ए बिल्स रिसीवेबल हो जाता है उसको, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के बेस पर इसको जब वो वापस दिखाएगा बी को 3 महीने के बाद, जब वो वापस भेजेगा तभी बी उसकी पेमेंट करेगा, उससे पहले पेमेंट नहीं करेगा। तो ए के लिए ये डॉक्यूमेंट हो जाता है बिल्स रिसीवेबल, और इस डॉक्यूमेंट के बेस पर बी पेमेंट करेगा तो ये डॉक्यूमेंट उसके लिए बन जाता है बिल्स पेएबल। अब देखिए इसकी एंट्री क्या होगी, 1 जनवरी की डेट में ही होगी। ए के पास डॉक्यूमेंट साइन होके आ गया, उसके लिए अब ये बन गया बिल्स रिसीवेबल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन फुल फॉर्म में लिखेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 11,200 से टू बी। आपने 11,200 रुपये की एंट्री यहाँ पे कर दी। इसी तरह बी भी एंट्री करेगा अपनी बुक्स में, सेम डेट पे करेगा, जनवरी 1 की डेट में करेगा। किसको डेबिट करेगा? वो ए को डेबिट करेगा और क्रेडिट कर देगा बिल्स पेबल। ए को डेबिट किया, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड डेबिट द रिसीवर, ठीक है, 11,200। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आती है पेमेंट डेट आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ जनवरी 1। यहाँ पे हमारा जो बिल हमने जो बनाया था बिल ऑफ एक्सचेंज, वो था ड्यू आफ्टर 3 मंथ्स। अब पेमेंट डेट को ध्यान से देखिएगा आप, जनवरी, फरवरी कब बनेगी इसकी डेट, पेमेंट डेट जनवरी, अप्रैल को ट्रांजैक्शंस हुई है, तो 3 महीने कब पूरे होते हैं, अप्रैल 1 में। यहाँ पे एक 3 दिन का ग्रेस दिया जाता है, 1 अप्रैल में 3 दिन का हम ग्रेस देंगे, इट मींस 4 अप्रैल इज़ द पेमेंट डेट।
ठीक है, समझ में आया आपको? हमारी ड्यू डेट थी अप्रैल 1। अप्रैल 1 हमारी ड्यू डेट थी। ग्रेस पीरियड है 3 डेज का, 3 दिन का। तो हमारी 4 अप्रैल जो हो गई हमारी डेट ऑफ पेमेंट, या मैच्योरिटी डेट कह लीजिए, डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमारे क्वेश्चंस में अगर 3 मंथ्स डेट ऑफ पेमेंट लिखा हुआ है, तो 3 मंथ्स के हिसाब से हमने 3 दिन ग्रेस दे दी और 4 अप्रैल की हमने डेट बना दी। अगर यहीं पर ही लिखा होता 90 डेज, तो 90 डेज को आपने 3 मंथ्स कंसिडर नहीं करना है। 90 डेज अगर लिखा हुआ है तो हमें एक्चुअल डेट्स निकालने पड़ेंगी। अगर ये 2020 का ईयर है तो 31 डेज आपके जनवरी के, और लीप ईयर था तो फरवरी में 29 डेज, 60 डेज तो ये हो गए, और 30 डेज मार्च के, तो 90 डेज 30 मार्च को पूरे हो जाते हैं। तो इसमें 30 मार्च से आप 3 दिन और ग्रेस लगा लीजिए, तो अप्रैल 2। कैसे? 31 मार्च, फिर 1 अप्रैल और 2 अप्रैल। तो 2 अप्रैल विल बी द डेट ऑफ मैच्योरिटी, डेट ऑफ फाइनल पेमेंट। और इस डेट पे भी अगर कोई गवर्नमेंट छुट्टी है तब वो डेट एक दिन और आगे चली जाएगी। तो ये कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी एक MCQ क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट विल बी द डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो वो आपको झट से निकाल देना है, और उसके अंदर वो ज़रूर लीप ईयर देंगे या कोई 26 जनवरी बीच में आ जाएगी पेमेंट डेट, इस तरह की डेट्स को आपको ध्यान रखना है। या 15 अगस्त आ जाएगा तो वो डेट आगे एक दिन आगे सरक जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ और आपने ध्यान देखनी है, जिस दिन बी साइन करता है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से 3 मंथ्स होती है। अगर फॉर एग्जांपल ए ने ये बिल अपने पास बना के रख लिया 1 जनवरी को, और यहाँ पे भेजा 10 जनवरी को, तो 10 जनवरी के बाद से 3 महीने शुरू होंगे, 1 जनवरी के बाद से नहीं होंगे। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस देखी जाएगी जब बी ने उस डॉक्यूमेंट को साइन किया है, एक्सेप्ट किया है। चलिए अब अपने इस वाले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैच्योरिटी डेट क्या रहेगी? अप्रैल 4, अप्रैल 1 प्लस में 3 डेज में ग्रेस पीरियड, 4th अप्रैल। 4th अप्रैल को ए का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बी के पास जाएगा पेमेंट के लिए, और बी उसको पेमेंट कर देगा, उससे इनकार नहीं कर सकता। तो ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? सिंपल एंट्री है, उसको कैश मिल गया या चेक मिलता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 11,200 से, टू बिल्स रिसीवेबल। इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में ही पेमेंट मिलेगी उसको, जो उसने डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, उसी के अगेंस्ट पेमेंट मिलेगी 11,200। और बी अपने बुक्स में क्या एंट्री कर लेगा? अप्रैल 4th की डेट में एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश उसने दिया है तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे 11,200 रुपीज से। तो देखा स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का मेन हीरो कौन रहा है? इस चैप्टर में मेन रोल प्ले किया है बी ने, क्योंकि बी ने ही इस पेपर को साइन किया है जिसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कह रहे हैं। उसके साइन करते ही ये डॉक्यूमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन गया। अगर बी साइन नहीं करता तो ये चैप्टर ही ना होता। लेकिन बी को साइन करना पड़ेगा क्योंकि उसने क्रेडिट परचेजेस भी तो किए हैं, वो डिनाई नहीं कर सकता इस बात से। अब हम समझते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एक्चुअल डेफिनेशंस क्या है। ये डेफिनेशंस मैंने ऊपर लिखी हुई है, ये डेफिनेशन सेक्शन 5 ऑफ बिल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में दी हुई है। तो अगर डेफिनेशन आपके एग्जाम में आती है तो आपको एज इट इज़ इसी की लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा। चलिए आइए समझते हैं इस डेफिनेशन को। ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है, राइटिंग में है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। कंटेनिंग एक ऑर्डर दिया जाता है जो साइन करता है। साइन कौन करता है? ड्रॉवर करता है, हमारे केस में ए है। ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है साइंड बाय द ड्रॉवर, डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन। किसको वो डायरेक्ट कर रहा है? बी को डायरेक्ट कर रहा है, ड्रॉइंग ड्रॉइस को डायरेक्ट कर रहा है टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी। कितना पे करेगा? 11,200 रुपीज देने के लिए, ओनली टू, या तो उसको खुद को और टू द ऑर्डर ऑफ, या जिसको वो ऑर्डर करें, ए सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, या
जिसके हाथ में ये डॉक्यूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, उसको भी पेमेंट कर देगा। ये इसकी डेफिनेशन है, आसान है, आपको एग्जैक्टली इसी लैंग्वेज इसी टर्म में आपको याद करनी है। ये आपकी बुक में भी दी हुई है, अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। चलिए और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारे इस एग्जांपल में ए ने ये जो डॉक्यूमेंट है जिसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कह रहे हैं, इसको अपने पास रखा है टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, और उस मैच्योरिटी डेट के पास वो एक बी के पास भेजा और उससे कैश लिया है। यहाँ पे ए के पास चार ऑप्शंस हैं टू डील विद द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उन चारों ऑप्शंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर एक एक इलस्ट्रेशंस करेंगे। तो अभी हम समझते हैं चार ऑप्शंस ए के पास क्या क्या अवेलेबल थे। ऑप्शंस अवेलेबल, पहला ऑप्शन जो यहाँ पे ए ने यूज किया है वो है रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड गेट कैश, एंड गेट कैश। दूसरा एक ऑप्शन एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ ए क्रेडिटर, एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ ए क्रेडिटर। मतलब अगर आपने अपने किसी क्रेडिटर को पेमेंट करनी है तो आप इस बिल को सीधा अपने क्रेडिटर को दे दीजिए, वो मैच्योरिटी डेट के ऊपर बी से पेमेंट कलेक्ट कर लेगा। इसको हम और अच्छे से समझेंगे बाद में। थर्ड ऑप्शन है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। मीन्स आप बिल अपने पास ना रख के बिल बैंक में जमा कर दें और बैंक मैच्योरिटी डेट के ऊपर आपका जो ड्रॉई है उससे वो पेमेंट लेके आ जाएगा और आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। इसको भी हम अभी बाद में समझेंगे विद एग्जांपल। और इसके अलावा एक और ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। इन सब ऑप्शंस को हम डिटेल में समझेंगे इलस्ट्रेशंस के साथ में। सबसे पहले हम एक इलस्ट्रेशंस करते हैं फर्स्ट ऑप्शंस के ऊपर, उसके बाद हम और भी इलस्ट्रेशंस करेंगे इन सब के ऊपर और इनको डिटेल में समझेंगे। तो चलिए मैं अभी इसको रब कर रहा हूँ और अभी एक इलस्ट्रेशंस आपके लिए लेके आता हूँ। वेलकम बैक। अब हम एक इलस्ट्रेशंस करते हैं, मैं इसको धीरे धीरे पढ़ूंगा और एक इसका स्क्रीन शॉट आपके वीडियो पर इस तरफ लगा दूंगा। तो इलस्ट्रेशंस कुछ इस तरह से है। ऑन 1st January 2020 राम सोल्ड गुड्स टू मोहन वर्थ ₹50,000। 1st January 2020 को राम ने गुड्स सोल्ड किया है मोहन को 50,000 का। तो हमारे को दोनों की बुक्स में एंट्री करनी है, राम की बुक में भी करनी है, मोहन की बुक में भी करनी है। पहली एंट्री बिल्कुल सिंपल है, 2020 January 1st राम ने क्रेडिट पे गुड सोल्ड किया मोहन को, तो हम क्या एंट्री करेंगे, मोहन अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं टू सेल्स अकाउंट 50,000 रुपीज़ से। इसी तरह मोहन भी एक अपने बुक्स में एंट्री कर लेगा 1st January की डेट में ही, 2020 January 1st। ये क्या एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट को डेबिट करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, क्योंकि क्रेडिट परचेज हुआ है 50,000 रुपीज से। ठीक है, इस एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, नरेशंस आपने लिखनी है अपने आप। आगे चलते हैं, क्या कहता है। ऑन द सेम डेट मीन्स 1st January 2020 को ही मोहन एक्सेप्टेड ए बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय राम एट 3 months फॉर ₹50,000। इसी डेट पे मोहन ने एक बिल एक्सेप्ट किया जो राम ने उसके ऊपर ड्रॉ किया था 50,000 रुपीज़ का। राम को पैसा मिलेगा, राम को अभी फिलहाल बिल मिला है जिसको हम बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, फुल फॉर्म लिखना है आपने यहाँ पे 50,000 रुपीज़ का टू मोहन। कौन सी डेट है, सेम डेट चल रही है जनवरी 1st।
इसी डेट के ऊपर मोहन भी अपनी बुक्स में एंट्री कर लेगा राम अकाउंट डेबिट, टू बिल्स पेबल, जिस डॉक्यूमेंट को उसने साइन किया है तो वो अब पेबल है उसके लिए, तो उसने बिल्स पेबल को क्रेडिट कर दिया और 50,000 रुपीज़ से वो एंट्री कर लेगा। और आगे चलते हैं, ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी द बिल वाज मेट, गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, बोथ दोनों पार्टीज की हम बना ही रहे हैं, 3 महीने के बाद ये बिल मैच्योर हो गया है और मोहन ने पेमेंट कर दी है राम को, तो क्या एंट्री करेंगे 3 महीने के बाद, कौन सी डेट हुई अप्रैल की, कौन सी डेट आई हमने अभी किया है अप्रैल विद ग्रेस पीरियड मिला के, आपने सिंपली 3 महीने आपने ऐड कर देने हैं, 1 जनवरी से 1 अप्रैल 3 महीने हो गए और 3 दिन इसमें ऐड कर दिए 4 अप्रैल, क्या मिला कैश मिल गया राम को, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, इस बिल के अगेंस्ट में ही तो उसको पेमेंट मिली है 50,000 रुपीज़ से, ठीक है। बहुत आसान है ये, आपको सिर्फ से समझाने के लिए ये वाला इलस्ट्रेशन दिया है, थोड़ा सा इसमें और ट्रिकी आती है, अदरवाइज इसमें ज़्यादा कुछ टेक्निकल बातें नहीं है। अब मोहन भी अपनी बुक्स में एंट्री कर लेगा अप्रैल 4 की डेट में, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश से पेमेंट करिए तो कैश दे देगा 50,000 रुपीज़ से, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल, फर्स्ट ऑप्शंस जो अवेलेबल थी उसके पास रिटेन द बिल हिमसेल्फ, राम ने यहाँ अपने पास ये बिल रखा टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी 4 अप्रैल तक, उसके बाद कैश ले लिया मोहन से। अब हम और इलस्ट्रेशंस करते हैं जिसमें हम सेकंड ऑप्शंस जो है एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ ए क्रेडिटर, मैं अभी इसको रब करता हूँ, मेरे साथ बने रहिए, एक इलस्ट्रेशन हम अभी और करते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड ऑप्शंस की तरफ आते हैं, जो ए के पास अवेलेबल थी वो ऑप्शंस है एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ ए क्रेडिटर, हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ए जो सेलर था, ए ने बी को गुड्स सेल किया था ऑन क्रेडिट, बी परचेजर था, ए ने एक बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, इसको हमने बोलते हैं ड्रॉवर, और बी ने उस बिल को एक्सेप्ट किया तो इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर और ड्रॉइंग। ये बिल एक्सेप्ट होने के बाद ए के पास आ जाता है ऑन द सेम डेट। अब मान लीजिए ए ने भी कुछ गुड्स परचेस किया है क्रेडिट के ऊपर, और वो फॉर एग्जांपल सी से परचेस किया हुआ है, सेम 11,200 फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंट हम ले लेते हैं कि 11,200 का उसने सी से गुड्स परचेस किया हुआ क्रेडिट पे, तो जो ये बिल्स बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज जो बी से आया है वो ए सी के नाम पे एंडोर्स कर देगा। एंडोर्स करने का मतलब ये है कि ए पिक्चर से अब हट जाएगा और सी पिक्चर में आ जाएगा, सी को अब इस केस में हम बोलेंगे पेई, ड्रॉ बिल इसने किया था ए ने किया था, एक्सेप्ट किया बी ने, इसको हमने ड्रॉ ही बोलेंगे, और जिसको फाइनल पेमेंट मिलनी है जिसको ए ने अब सी को एंडोर्स कर दिया तो सी पेई हो गया। पहले वाले केस में रिटेन द बिल, ए ने अपने पास बिल रिटेन किया था तो ए ही पेई था, अब इस केस में सी पे ही हो गया, सी अब क्या करेगा डेट ऑफ मैच्योरिटी पे बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके जाएगा बी के पास, बी अपने डॉक्यूमेंट को देखेगा अपने साइन को देखेगा और पेमेंट कर देगा सी को, ए को कोई मतलब नहीं है। अब इसी चीज़ को हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, मैं इसको भी रब करता हूँ। इलस्ट्रेशंस कुछ इस तरह से है, मैं इलस्ट्रेशंस को पढ़ रहा हूँ और इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा। ऑन 15th March 2020 ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹15,000। 2020 March 15 ए की बुक्स, ए क्या एंट्री करेगा बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ए ने क्रेडिट पे गुड्स बेचा है तो यही एंट्री करेगा 15,000 रुपीज़ से। इसी तरह बी भी अपने बुक्स में एंट्री करेगा सेम डेट पे, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, क्योंकि क्रेडिट परचेज किया है तो उसने 15,000 रुपीज़ से एंट्री कर लिया।
ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और आगे पढ़ते हैं, एंड ड्रू अपॉन हिम एट 2 months से बिल फॉर द अमाउंट। ए ने क्या किया, इसी डेट पे बिल ड्रॉ कर दिया है 2 months के लिए, तो क्या एंट्री होगी। बी ने, हम ये मान के चल रहे हैं बी ने उसको साइन कर दिया है और उसको वापस ए के पास भेज दिया है, तो हम सेम डेट पे हम एंट्री करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 15,000 rupees टू बी, क्रेडिट द गिवर। बी भी 15th of March में एंट्री करेगा ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, क्योंकि 15,000 rupees बी को पे करने हैं इस बिल के अगेंस्ट में, इसलिए उसने बी बिल्स पेबल अकाउंट को उसने 15,000 rupees से क्रेडिट कर दिया। अब आगे देखिए, आफ्टर 1 month, 1 महीने के बाद, यानी कि 15th March के बाद, 15th April, ए अंडोज द बिल टू हिज क्रेडिटर सी। ए ने क्या किया, इस बिल को सी को अंडोज कर दिया, तो क्या एंट्री बनाएगा वो अप्रैल 15th में। ये बिल ए ने सी को एंडोर्स कर दिया, तो वो क्या करेगा, सी को डेबिट कर देगा, सी अकाउंट डेबिट 15,000 rupees से, और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। ठीक है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बी को तो मालूम ही नहीं है, बी के यहाँ तो कोई एंट्री होगी नहीं, उसको तो मालूम ही नहीं है, उसने ये वाला ये बिल एंडोर्स कर दिया है सी के नाम पे। अब हमें सी की बुक्स में भी दिखाना पड़ेगा कि सी अपनी बुक्स में किस तरह से एंट्री करेगा। अब एक हमने सी भी खोल लिया है, बी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, सी की बुक में एंट्री हो गई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए 15,000 rupees से। क्लियर है, सेम डेट को, कौन सी डेट, अप्रैल 15th, अप्रैल 15। ये पहली दो एंट्रीज सी के यहाँ नहीं होंगी, और थर्ड एंट्री जो है बी की तरफ नहीं होगी, सी की तरफ होगी। चलिए और आगे चलते हैं, ऑन द ड्यू डेट एक्सेप्टेंस इज ड्यूली मेट, शो द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल पार्टीज। अब इसकी ड्यू डेट 2 महीने की थी, ड्यू डेट पे आप बताइए ए को कोई मतलब है क्या, ए पेमेंट लेगा, ए को कोई मतलब नहीं है, ए पेमेंट लेने जा ही नहीं सकता बी के पास। पेमेंट किसने लेनी है, सी ने पेमेंट लेनी है बी से, है ना। तो ड्यू डेट क्या बनी, 2 महीने के बाद, आप इसमें 3 दिन और ग्रेस के लगाइए, तो 15 + 3 18 मई 18 मई की डेट में सी को कैश मिल जाता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, सिंपल है। और बी अपने यहाँ क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश उसने दिया है, कैश को वो क्रेडिट कर देगा 15,000 rupees से। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, 15th मई, मई 18th की डेट में बिल की पेमेंट होगी, ये भी मई 18 की डेट में है 15,000 rupees। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। आप देखेंगे बहुत आसान क्वेश्चन है, जरा सा एक दफ़ा टेक्निकल इसकी बात समझ में आ जाए तो कोई मुश्किल नहीं है, आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस और कर लीजिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है, कल हम दूसरे वीडियो में अपना जो 2 options और अवेलेबल है हमारे पास, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन एंड बिल डिस्काउंटेड विद बैंक्स, इसका क्या मतलब है इसको हम समझेंगे और इसके ऊपर इलस्ट्रेशन करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बेस को समझ लीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।